hello guys is the voice audible to everyone hmm. good evening guys everyone of you a very 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 good good evening to everyone all all the students are welcome in today's particular session hello parul namaste 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 hello shibani good evening good evening good evening ऑल फिग वेलकम नमस्ते नमस्ते आ जाइए भाई एक बार जल्दी से एड हो जाइए पहले तो आई एम रियली सॉरी आई कुड नॉट टेक दिस सेशन यस्टे कल हमारी एक स्पेशल क्लास भी थी बट एक फैमिली कमिटमेंट एक फैमिली इमरजेंसी आने की वजह से आई हैव टू स्कैड्यूल दोशंस और वो सेशन्स आज हो रहे हैं तो एम रियली अपॉलोजेटिक अबाउट इट बट कई बार क्या होता है और मैं इसको लेकर इन्फॉर्म भी नहीं कर पाया आप लोगों को ऑन द टेलीग्राम ग्रुप्स एंड ऑल बिकॉज इट वॉज वेरी सडन इट वॉज वेरी इमिजिएट सो एम रियली सॉरी रिलेटिंग तो वो आज जो कल वाले जो सेशंस होने थे वो हम आज इन दिस पर्टिकुलर क्लास करने वाले हैं एक मजेदार पर्टिकुलर सीरीज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं इन टूडे वी आर गोइंग टू गेट थ्रू स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट एक ऐसा एक्ट जो लगभग हर स्टेट्स के अंदर हम लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेगा इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द पर्टिकुलर स्टेट्स आस्क क्वेश्चन फ्रॉम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को एक न्यूंस्ड फॉर्म में जानने के लिए उसका एक इंट्रोडक्शन समझने के लिए इन टूडे सेशन वी आर गोइंग टू कि इन आज के सेशन के अंदर मैं आप लोगों को सेक्शन वन टू थ्री फोर मोस्ट प्रॉब्ली हो गए तो हो गए कल भी हो सकते हैं बट आज की क्लास के अंदर मैं आप लोगों को एक इंट्रोडक्शन कवर कराने वाला हूं कि क्या हिस्टोरिकल ओरिजिन क्या है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कैसे आया हाउ इट केम इन टू एक्सिस्टेंस इसके पीछे क्या कोई लॉ कमीशन वगैरह के रिकमेंडेशन आए थे कौन सी लॉ कमीशन रिपोर्ट के थ्रू स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट लाया गया किस तरीके की है? क्या है वाले राइट सो दिसन अलियंटेड सेशन जो आप लोगों को किसी भी पर्टिकुलर तैयारी के लिए बहुत जरूरी है जब भी आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पढ़ो तो सेक्शन वन से जंप नहीं करते हैं सबसे पहले हम शुरुआत इन पर्टिकुलर पार्ट से करते हैं जो मैं आज की क्लास के अंदर आपको लेने वाला हूं सो आई होप वी आर गोइंग टू हैव अ गुड सेशन आप सभी लोगों को बहुत अच्छा लगेगा राइट गुड इवनिंग कुसुम गुड इवनिंग नेहा गुड इवनिंग शालू गुड इवनिंग शिवल्ली नमस्कारम नमस्कारम अनामिका गुड इवनिंग अनुराग नमस्ते 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 ऑल ऑफ यू गाइस आर वेलकम चलिए गाइस

करेक्ट है और प्लस 12 महीने का एक्सटेंशन मिलेगा कहने का मतलब अगर आप एक 12 महीने का सब्सक्रिप्शन परचेज कर रहे हो तो 12 मोर मंथ्स यू आर गेटिंग फ्री प्लस 20 परसेंट ऑफ मिल रहा है 18 महीने का सब्सक्रिप्शन परचेज कर रहे हैं तो 12 मंथ्स फ्री प्लस 20 परसेंट ऑफ मिल रहा है और 24 फोर मंथस का सब्सक्रिप्शन परचेज कर रहे हैं तो ट्वेल्व मंथ फ्री एंड देन परसेंट ऑफ आपको मिल रहा है यूजिंग माई रेफरल कोड सिंह इसके अलावा मेरे जो हैंड आउट्स हैं मेरे नोट्स भी मेरे बच्चों को मिलते हैं जो भी पर्टिकुलर लोग मेरे कोर्स से ज्वाइन करता है उनको मैं मेरे नोट्स वगैरह भी सप्लाई कराता हूँ जैसे जैसे मैं सब्जेक्ट कवर कराता हूँ वो सारे नोट्स स्टूडेंट्स को अवेलेबल होते जाते हैं कुछ नोट्स रिटर्न फॉर्म में होते हैं कुछ नोट्स टाइप्ड फॉर्मेट में होते हैं तो इट इज फ्रॉम बोथ द पर्टिकुलर राइट राधे राधे प्रिया राधे 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 पारुल गुड गुड इवनिंग गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू गज आर वेलकम नमस्ते 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 राइट right. सभी लोगों का स्वागत है इन टू सेशन इट्स गोइंग टू बी अ वेरी गुड सेशन बहुत मजा आएगा क्योंकि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट बहुत लोगों ने नहीं पढ़ा है अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो आपको एक अलग और या जिन्होंने पढ़ा भी है एक अलग पैरामीटर से आपको उस पर्टिकुलर एक्ट को गो थ्रू करने का मौका मिलेगा ठीक है राइट सो मेक श्योर करिएगा कि अगर आप में से कोई भी लोग हमारा जुडिशरी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं हमारे कई सारे बैचेस भी चल रहे हैं एंड um, आप देख सकते हैं रणभूमि मेरा खुद का बैच इट्स गोइंग ऑन जिसमें मैं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा रहा हूँ अभी सीपीसी पढ़ाऊंगा टीपीए पढ़ाऊंगा एनआईए पढ़ाऊंगा कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाऊंगा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पढ़ाऊंगा लिमिटेशन पढ़ाऊंगा और पॉक्सो पढ़ाऊंगा राइट रेगुलर कॉम्प्रिहेंसिव बैच इसे आप इन सब बैचेस को आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा रेफरल कोड है सिंह विशाल मैं बहुत एफेबल हूं आप लोगों को अगर कभी बात करने को रहे आप लोग मुझसे इस रिलेशन में बात भी कर सकते हैं इज किया सर पर चलेगा पूरा प्लस क्लास में भी कंटिन्यू होगा पारुल इसके कुछ पर्टिकुलर पर भी चलेंगे और अभी स्पेशल क्लास पर मेरा नौ बजे से कॉन्स्टी चल रहा है तो आप लोग हमारी स्पेशल क्लास पर भी आइएगा वो भी फ्री सेशन है क्लियर है आप उन्हें देखो जब तक आपको सेशन एक्सेसिबल हैं आप देखिए इसके बाद में अगर आप एक कॉन्शियस डिसीजन लीजिए क्योंकि पूरे सेशन हम लोग कंप्लीटली तो नहीं दे पाएंगे लेकिन यस वन मोर थिंग विच इज गोइंग टू बी देयर इज आपको एक पैटर्न समझ में आएगा कि तैयारी कैसे की जाती है

सुपर इम्पॉर्टेंट एग्जाम की कई सारे सब्जेक्ट है सारे लिमिटेशन एनआईए इस तरीके के सब्जेक्ट्स मैं इस बैच के अंदर लेने वाला हूँ क्लियर है एवरी वन ऑफ यूट यस अनु बिल्कुल 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 एकदम एकदम परफेक्ट है So, अब मैं आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं पर अपन को देखना है। इसके पहले अगर आप में से किसी ने मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो डायरेक्ट अपडेट आपको की मिल जाया करेंगी जस्ट टेलीग्राम पर लॉ विद विशाल के नाम से सर्च कर लीजिएगा शुरुआत करते हैं हमारे आज के पर्टिकुलर से रिलीफ एक्ट ये हैंड आउट भी मेरे टेलीग्राम पर आप लोगों को अवेलेबल हो जाएंगे जो जो पार्ट में यहाँ पर कवर कराने वाला बट बिफोर दैट समथिंग सुपर इंपॉर्टेंट राइट जो लिखा हुआ है ये बहुत बात की बात की है इसके पहले हमें थोड़ा सा समझना चाहिए कुछ पर्टिकुलर चीजों को एंड लेट मी जस्ट शो यू दो पर्टिकुलर थिंग्स स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट अगर मैं बात करूं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट ठीक है ना जरूरत क्यों पड़ी वाई इट वॉज रिक्वायर्ड ये आपको याद रखें पहली पर्टिकुलर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कोई भी एक्ट लाया जाता है किसी सर्टेन पर्पज के साथ में उसका कुछ ना कुछ कोई उद्देश्य होता होगा उसका कोई सर्टेन पर्पज होता होगा उसका कोई सर्टेन ऑब्जेक्टिव होता होगा yes, उस इस पर्टिकुलर एक्ट का भी एक ऑब्जेक्टिव है लेटर्स जब कोई भी लॉ बनाते हैं तो किसी भी लॉ को ऐसे ही आधा अधूरा तो नहीं बनाते हैं ना उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई ऑब्जेक्टिव हमारा या कोई पर्पस होना जरूरी है लाजमी सी बात देखिए अब मैं आपको बताता हूं कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 क्यों लाया गया स्पेसिफिक 1963 से पहले था एटीन का स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट ठीक है इसके पहले कौन सा था

इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट है इनके बीच में एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट है कि अना, अनामिका जो है वो नेहा को एक फाइनेस्ट ऑफ फाइनेस्ट ऑफ इंटीरियर डिजाइनर है नेहा ठीक है सो नेहा अनामिका जो है शी इज द फाइनेस्ट इंटीरियर डिजाइनर इन द सिटी बहुत बेहतरीन इंटीरियर डिजाइनर करेक्ट है इसके थ्रू बनाए गए घर इंटीरियर डिजाइन किए हुए घर इज वेल नोन इन द कंट्रीज नेहा घर बनाना चाहती है एक इंटीरियर डिजाइन करवाना चाहती है और उसने अनामिका को अप्रोच कर दिया

इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक रेमेडी देता है इन किसको नेहा को अगर 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 मान 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 लेते 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 हैं 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 कि अनामिका ये घर नेहा को ना बना कर दे, ना बना बना कर कर दे दे तो नेहा के पास क्या remedy अवेलेबल है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कि कैन गो एंड फाइल फॉर डैमेजेस वो डैमेजेस क्लेम कर सकती है अंदर सेक्शन नंबर 73 और सेक्शन नंबर 74 सेक्शन 73 में अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं बेटा Unliquidated damages होते हैं और section number 74 के अंदर या फिर वो liquidated damages कर सकती है अगर damages पहले से कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त ही असरटेन कर दिए गए यानी कि अगर हम एटीन सेवनटी टू तक देखें तो रेमेडी जो अवेलेबल थी वो क्या थी बेटा 1872 में जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया 1877 1877 पहली बार 1877 था व्यक्ति के पास सिर्फ एक राइट था कि अगर कोई अपने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं कर रहा है इफ दे आर नॉट फुलफिलिंग द कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन इफ दे आर नॉट फुलफिलिंग द कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन तो जिस तो 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 पर्टिकुलर पार्टी के साथ रॉन्ग हो रहा है करेक्ट बात है द पार्टीज बीन सो रॉन्ग उस पर्टिकुलर पार्टी के पास राइट है सेक्शन 73 में अनलिक्विडेटेड डैमेजेस 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 कि नॉन असर्टेनेबल या करने का और अगर डैमेजेस तो दो लाख रुपए देना पड़ेगा दो करोड़ देना पड़ेगा उसे हम लिक्विडेटेड कहते हैं अब आप बोलोगे कि सर, एक तो अवेलेबल है लेकिन आप मुझे कॉमन सेंसिकल एक चीज बताइए लॉट ऑफ टाइम्स क्या हर सर्कमस्टेंस में क्या डैमेजेस मेरे लिए एक एडिक्वेट या अप्रोप्रिएट रिलीफ रहेगी क्या क्या हर में क्या हर में क्या डैमेजेस मेरे लिए एक एडिक्वेट रिलीफ रहेगी क्या विल डैमेजेस बी एन एडिक्वेट रिलीफ फॉर मी इन एवरी पर्टिकुलर दिस इज गोइंग टू बी एन इंटर क्लास एंड आई वुड एक्सपेक्ट ऑल ऑफ यू ऑल ऑफ यू टू कॉन्स्टेंटली आंसर अपन बेहतरीन डिस्कशन करेंगे दिस इज नॉट अ वन साइडेड क्लास जैसे एमसीक्यू में चलती है नो no. It is going to be more from a आप खुद निकाल लो करेक्ट बोल रहा हूँ ना यानी कि ये कोई एडिकुएट या अप्रोप्रिएट रिलीफ हर सर्कमस्टेंस में तो नहीं हो सकती यानी कि वो कौन सा सर्कमस्टेंस है जिसमें एडिकुएट रिलीफ नहीं हो सकती मतलब नेहा को अगर डैमेजेस में नेहा, हो जाए तो है। But, अगर नेहा यही चाहती है उसका द सिटी हो तुम्हारे जैसे घर कोई नहीं बनाता इसीलिए और क्योंकि तुमने मुझे प्रॉमिस कर दिया तो तुम्हें पर्टिकुलरली ये प्रॉमिस निभाना पड़ेगा आपने एक ब्यूटीफुल गाना सुना होगा राइट जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा रो के जमाना चाहे रोके खुदाई तुमको आना पड़ेगा आना पड़ेगा यही लॉजिक है कि सर सर आपने मुझे प्रॉमिस किया मैम कि आप मेरे लिए घर बनाकर देंगे मेरे लिए डैमेजेस है बेस्ट रिलीफ नहीं है मैं तो फाइनेस्ट इंटीरियर डिजाइनर के पास आई हूं उसने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो मेरे को ये पर्टिकुलरली घर बनाकर देगी अब आपको ये मुझे घर बनाकर देना पड़ेगा एवरी इज क्लियर अबाउट इस चीज की बात क्या कहीं पर भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कवर करता है कि जो वादा आपने किया वो वादा पूरा करके दीजिए मतलब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस देने का वादा आपने मुझे किया था दैट इज घर बनाने का अब वो पूरा करिए करेक्ट बात है क्या ये रेमेडी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहीं पर है गाइस ऑफ यू मस्ट हैव रेड ओनली रेमेडी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अवेलेबल है आप वॉइडेबल करा सकते हो डैमेजेस क्लेम कर सकते हो कॉम्पेंसेशन क्लेम कर सकते हो बस नथिंग मोर देन दैट आ रही है बात समझ में एवरी वन ऑफ यू इसका मतलब क्या हुआ नाउ वॉट इज गोइंग टू हैपन इसका मतलब यह हुआ देयर वॉज अ पर्टिकुलर टाइम अब एक समय की जरूरत आन पड़ी कि भैया कुछ स्पेसिफिक रिलीफ जो होती हैं कुछ ऐसी कुछ ऐसी स्पेसिफिक रिलीफ हैं जिनको हमको अमल में लाना पड़ेगा यानी कि नॉट ऑल द पर्टिकुलर पार्टी विल बी हैप्पी टू रिसीव डैमेजेस अगर हर पार्टी सिर्फ डैमेजेस रिसीव कर लेगी उसका काम हो जाएगा ऐसा नहीं है यानी कि कुछ ऐसे भी पर्टिकुलरली कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिनमें एक पार्टी आपसे डैमेजेस नहीं डिमांड कर रही है वो आपसे वेरी परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वेरी मतलब द वेरी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपसे और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब 1872 में लागू हुआ फर्स्ट ऑफ सेप्टेंबर को वो ये कवर नहीं करता था तब आता है एस आर एटीन सेवन एवरी मन इज क्लियर अबाउट ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया आई विल गिव यू फ्यू मोर एक्साम्पल्स एवरी मन इज क्लियर अबाउट दिस आर्या बात समझ में हेलो नेहा नमस्ते 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 अब मैं आपको कुछ और पर्टिकुलर एग्जाम्पल देता हूं आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस स्पेसिफिक रिलीफ की जरूरत क्यों आन पड़ी एक डिफरेंट एक्ट की क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमें पूरी रेमेडी नहीं दे रहा है जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट के केसेस में वो डैमेजेस तो बता रहा है बट अगर डैमेजेस कोई पर्टिकुलर व्यक्ति लेने से खुश नहीं है फॉर हिम इफ यू आर गोइंग टू ग्रांट हिम डैमेजेस दैट विल नॉट बी एन अप्रोप्रिएट और एडिक्वेट रिलीफ फॉर द पर्सन देन इन दैट सिचुएशन उसके लिए अप्रोप्रिएट रिलीफ क्या है मुझे तो जो वादा किया गया वही परफॉर्म करवाना है तो वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ़ कॉन्ट्रैक्ट कहा मांगता ये तो था ही नहीं तब हम स्पेसिफिक रिलीफ आई गिव मोर एग्जाम्पल लेट्स हम कई बार हमारी कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी होती है किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी जो है वो दे देते हैं एवरी वन ऑफ यू जैसे आप लोगों ने एक एक एग्जाम्पल देखा होगा बेलमेंट बेलमेंट करेक्ट बात है में एक पर्टिकुलर व्यक्ति क्या करता है डिलीवर करता है डिलीवर्स डिलीवर्स पर्टिकुलर प्रॉपर्टी अपनी एक पर्टिकुलरली प्रॉपर्टी जो है वो डिलीवर करता है टू एनदर पर्टिकुलर पर्सन और जिस व्यक्ति को वो डिलीवर कर रहा है और जिस व्यक्ति को वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी डिलीवर कर रहा है उस व्यक्ति को ये प्रॉपर्टी को एक सर्टिन पर्पस के लिए डिलीवर की गई है और जब ये पर्पस अकम्प्लिश हो जाएगा यानी कि पूरा हो जाएगा तो इसे प्रॉपर्टी इस को रिटर्न करना है है। यही बेलमेंट होता फॉर एग्जाम्पल अगर विशाल भैया अपनी कार को एक मैकेनिक के पास में धुलवाने के लिए गए करेक्ट बात है एक मैकेनिक के पास लेकर गए कि भैया मेरी कार की सर्विसिंग करवानी है करेक्ट है और इस मैकेनिक के पास में मैंने अपनी कार छोड़ दी अब मैकेनिक कह रहा है आप मुझे इस कार का कार का पैसा ले लो मुझसे बट मैं कार तो वापस नहीं करूंगा इस कार पर मेरा जो है वो पर्टिकुलरली दिल आ गया है एवरी वन इज क्लियर अबाउट अरे यह बात समझ में के नहीं आ रही एवरी वन ऑफ यू ओल्ड एस आर में भी था बट इट वॉज अ डिस्क्रिशनरी रिलीफ एक बात है अभी आप आते चलो ठीक है ना अभी आप बहुत आगे आगे जम मत करो ठीक है ना एस आर अभी मैं आपके सारे के सारे जाले साफ कर दूंगा बहुत आगे तक जम मत करो

इस दिए को मैंने अपनी अकाउंट बुक्स दे रखी हैं राइट right? अब ये मेरे को अकाउंट बुक्स रिटर्न ही नहीं कर रहा है ही इज नॉट रिटर्निंग मी द अकाउंट बुक्स रिटर्न ही नहीं कर रहा है तो मेरे पास क्या रिलीफ अवेलेबल है व्हाट इज द रिलीफ अवेलेबल टू मी अब मेरे लिए स्पेसिफिक रिलीफ क्या है बेटा मेरे लिए क्या स्पेसिफिक रिलीफ होगी कि जो भी मेरी प्रॉपर्टी है जो भी मेरी प्रॉपर्टी है भी मेरी प्रॉपर्टी है अगर मैंने किसी पर्टिकुलरली व्यक्ति को वो प्रॉपर्टी दी तो वो उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का पजेशन या रिकवरी जो है मुझे वापस लौट आए इज गोइंग टू गिव मी बैक दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी यस गलत बोल रहा हूं क्या एवरी वन ऑफ यू यस प्लीज एवरी वन आई नीड टू लर्न फ्रॉम यू ओनली फॉर द सेम आई मी No, हीं जा रहा हूँ ठीक है ना सो डोंट वरी अबाउट अब मुझे एक बात बताइए कि ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी जो है आई एम वेरी ग्लैड दैट यू सेट दैट की आपको मुझसे सीखना है एंड मैं भी आपको ऑनेस्टली सिखाऊंगा बट बत मैं बता रहा हूँ मेरा कोई इरादा ना अन अकेडमी का मुझे कहीं भगाने का है ना मेरा कहीं जाने का है

इसको लेकर बेटा कोई अलग से रेमेडी तो थी नहीं इसको लेकर कोई अलग से तो रेमेडी थी नहीं अब आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में देख लो Peelment के अंदर राइट right तो बता दिया है कि अगर हमने किसी पर्टिकुलर पर्टिकुलर व्यक्ति को कोई संपत्ति संपत्ति दी तो उसको वो संपत्ति रिटर्न करनी है बट कहीं पर भी कहीं पर भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर क्या सूट फॉर रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टी को लेकर आप सूट लगा सकते हो नो यू कैन यू कैन नॉट कैन यू फाइल अ सूट इन रिलेशन टू रिकवरी ऑफ योर प्रॉपर्टी नो यानी कि भैया अगर मैंने आपको कोई संपत्ति दी है तो वो संपत्ति का पजेशन मुझे चाहिए यानी कि रिकवरी चाहिए तो रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल और, और इनमूवेबल प्रॉपर्टी ये मेरे अगेन क्या मैं इसे एक अपनी स्पेसिफिक रिलीफ कह सकता हूं क्या क्या ये एक स्पेसिफिक रिलीफ है अब स्पेसिफिक रिलीफ को क्या कोई और एक्ट कवर करता था एन के पहले नो नन अदर एक्ट नन अदर एक्ट टूक इंटू अकाउंट दिस पर्टिकुलर थिंग

सिंपल सा अगर मैं ऑब्जेक्ट बोलूं तो इसका क्या था स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट क्यों लाया गया right. for, right. एक ki, जो स्पेसिफिक रिलीफ किसी और एक्ट में अवेलेबल नहीं थी उन स्पेसिफिक रिलीफ को अवेलेबल कराना इसी के लिए एस आर ए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट वॉज ब्रॉट इन टू पिक्चर समझ में आया

वही परफॉर्मेंस इंश्योर करवाने वाली बात इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कवर नहीं करता अगर मैंने किसी को कोई संपत्ति दी है कुछ समय के लिए तो क्या मेरा राइट नहीं बनता वो संपत्ति को रिकवर करने का लेकिन पहले तो कोई लॉ था नहीं तो उस लॉ को उस स्पेसिफिक रिलीफ को कि मेरी संपत्ति मुझे वापस दीजिए आई एम टू द रिकवरी ऑफ ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टी और इसलिए पांच छह रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी सात और आठ सेक्शन एस के अंदर रखे गए हैं। कुछ yes, no? और एग्जाम्पल्स आप लोगों को बताता हूँ कुछ right. right. और एग्जाम्पल देखिए अंडरस्टैंड फ्यू मोर एग्जाम्पल मान लेते हैं मान लेते हैं दो तो लोगों ने मान लेते हैं कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति जो है देर इज अर्टिन पर्टिकुलर पर्सन विशाल भैया ठीक है नाइट अब विशाल भैया जो है ज एंटाइटल्डाइटल क्योंकि आप एक सिटीजन होते हो तो सिटीजन को कुछ राइट मिल जाते हैं जो नॉन सिटीजन को नहीं मिलते जैसे कि वोटिंग का राइट थ्री हंड्रेड ट्वेंटी के अंदर एडल्ट फ्रेंचाइज का राइट right, सिर्फ सिटीजन को मिलता है नॉन सिटीजन को नहीं मिलता अब अगर अब अगर मेरा नाम इलेक्टोरल रोल्स पर नहीं डाला गया करेक्ट है जो भी नेक्स्ट इलेक्शन हो रहे हैं उस इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन ने मेरा नाम अगर इलेक्टोरल रोल्स पर नहीं दिया है करेक्ट है तो क्या मैं कोर्ट आकर क्या मैं कोर्ट आकर डेक्लरेशन ले सकता हूं कि आई एम एंटाइटल टू वोट मैं एंटाइटल्ड हूं वोट करने के लिए एवरी वन ऑफ यू

लीगल कैरेक्टर या राइट ओवर अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के लिए और अगर कोई पर्टिकुलर व्यक्ति या कोई गवर्नमेंट मेरे इस राइट को डिनाई करे या इंटरेस्टेड टू डिनाई हो तो क्या मैं उस व्यक्ति के मैं उस व्यक्ति के अगेंस्ट में आकर कोर्ट जा सकता हूं और कोर्ट में जाकर यह कह सकता हूं साहब आई एम एंटाइटल टू समथिंग ये व्यक्ति मुझे उस पर्टिकुलर चीज का हक एंजॉय करने नहीं दे रहा है एवरी वन ऑफ यू प्लीज डिक्लेयर कर दीजिए दैट आई एम एंटाइटल टू इट और ताकि ये पर्टिकुलर व्यक्ति मेरे को इस राइट को एंजॉय करने से ना रोके इज क्लियर अबाउट आर यह बात समझ में हेलो शिप्रा गुड इवनिंग गुड इवनिंग आर यू गाइज अंडरस्टैंडिंग दिस पर्टिकुलर पॉइंट एवरी वन ऑफ यू स्पीक अगेन एवरी वन पर्टिकुलर थिंग इसी बात को थोड़ा एक इलेबरेट एग्जाम्पल से समझाता हूँ ठीक है एक इलेबरेट एग्जाम्पल से समझा मान लेते हैं मान लेते हैं देर इज अ पर्टिकुलर एक लड़की है दीवानी सी गोलगप्पी ठीक है एक लड़की है दीवानी सी गोलगप्पी विशाल भैया पे वो मरती थी ठीक है एवरी वन ऑफ यू एक लड़की थी दीवानी सी गोलगप्पी विशाल भैया पे वो मरती थी ठीक है यहां पर इसकी एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी एक्स ठीक बात है प्रॉपर्टी एक्स यहां पर इस पर्टिकुलर लड़की की एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है ठीक है अब इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी से यहां से एक पर्टिकुलर लेन निकल रही है मतलब यहां पर अगर मैं बोलूं तो यहां से इसी की प्रॉपर्टी में से नाइट गुजरने के लिए गुजरने के लिए मुझे यह लेन यूज करनी पड़ेगी यहां तो विशाल भैया क्या कर रहे हैं राइट right. ये लड़की तो विशाल भैया पे मरती है करेक्ट बात है और विशाल भैया यहां से इस प्रॉपर्टी से रोज गुजरते हैं गोलगप्पी जो है वो विशाल भैया को एक एकटुक निहारती रहती है बस एक टुक देखती रहती है निहारती रहती है कि आ गया आ गया मेरा साजन एवरी वन इज क्लियर अबाउट इट ऑल अरे बात समझ में एक टुक बस निहारती रहती है देखती रहती है कि ये आ जा रहा है यही है मेरा साजन करेक्ट है लेकिन हार्डली सी न्यू कि मैं इसकी प्रॉपर्टी से निकलता हूं और ये ऑब्जेक्ट भी नहीं करती क्यों क्योंकि इसे लगता है कि भैया मेरा साजन आगे आगे चलकर यही मेरा साजन बनेगा करेक्ट है लेकिन विशाल भैया जो है यहां पर एक और पर्टिकुलरली लड़की है भटूरी इससे मिलने के लिए जाते विशाल भैया इस रूट को यूज करके किससे मिलने के लिए जाते हैं भटूरी के ठीक है एवरीवन ऑफ यू ये गोलगप्पी को नहीं पता है ऐसे करके 20 साल हो जाते हैं 20 ट्वेंटी विशाल भैया इसकी प्रॉपर्टी से रोज निकलती हैं ये रोज देखती है बट कुछ नहीं कहती शी नेवर से इज क्लियर अबाउट बात समझ में एवरी वन ऑफ यू शी नेवर से समथिंग कुछ भी नहीं कहती है कुछ भी नहीं कहती है एवरी थिंग इज गोइंग सब बेहतरीन हंकी डोरी चल रहा है बढ़िया बेहतरीन उसे लग रहा है मेरे एक टुक साजन आ गए मैं एक टुक निहारती रहूंगी साजन जो है वो दूसरी सजनी भटूरी से मिलने के लिए जा रहे हैं और 20 साल तक वो इस प्रॉपर्टी पर आते हैं बहुत हंसली है, अब इंपॉर्टेंट बात पे फोकस करते हैं अब जरा ध्यान से सुनिए ठीक है।, है हाँ अब जरा ध्यान से सुनो तो जब मैं इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी से निकलकर इस प्रॉपर्टी से निकलकर इससे मिल मिलने के लिए जा रहा हूं प्रॉपर्टी किसी और की है किसी और की प्रॉपर्टी है यस अगर मैं 20 साल तक विदाउट एनी इंटरप्शन विदाउट एनी इंटरप्शन पीसफुली यानी कि पीसफुली इस प्रॉपर्टी को इस प्रॉपर्टी पर राइट टू वे एंजॉय कर रहा हूं कितने सालों के लिए बेटा बीस सालों के लिए प्राइवेट पर्सन के सिचुएशन में और यही अगर भटूरी यही अगर गोलगप्पी गवर्नमेंट होती गवर्नमेंट लैंड होता तो मैं तीस साल तक अगर इस प्रॉपर्टी पर निकल रहा होता प्राइवेट पर्सन की सिचुएशन में बीस साल तक राइट right. और कैसे निकल रहा हूं इसने कभी ऑब्जेक्शन किया इसने कभी कुछ नाटक किया नहीं बिल्कुल नहीं किया बस एक टू कैसे करके निहारती रहती थी छत पे खड़ी रोज निकलते हुए देखती थी तो मैं पीसफुली निकलता रहा ना तो यहां पर 20 साल के 20 साल के कंप्लीट हो जाने के बाद क्या मेरा इस प्रॉपर्टी पर एक इजमेंट्री राइट right बनता है इजमेंट्री राइट कई तरीके के उनमें से जो यहां पर बना वो है राइट टू वे इज क्लियर अबाउट यहां पर जो मेरा राइट right बना वो राइट right क्या है बेटा एवरी वन ऑफ यू दिस इज दिस इज राइट टू वे एवरी वन इज क्लियर अबाउट आरिया बात समझ में ये yes? सुखाचार का जिसे आप राइट right कहते हैं यस सोरे नो एवरी वन ऑफ यू अब एक बात मुझे बताइएगा नो टेल मी समिंग सुपर इंपॉर्टेंट ठीक है कि भाई अगर मेरा इजमेंट्री राइट यहां पर बन गया है अब अगर गोलगप्पी मेरे इस राइट के लिए एक बार 20 साल कंप्लीट हो गए तो विशाल भैया एंटाइटल्ड हो गए एंटाइटल्ड हो गए इस लीगल इस लीगल कैरेक्टर के लिए या ये राइट यू, राइट यू टू प्रॉपर्टी के लिए क्या तो एक बात है मतलब पूरी प्रॉपर्टी मेरी नहीं है सिर्फ इस प्रॉपर्टी में एक राइट मुझे मिल गया दैट इज निकलने का दिस इज इजमेंट्री राइट एवरी सुखाचार का Now, अगर गोलगप्पी को बाद में पता लगता है बीस साल के बाद कि ये तो भटूरी से मिलने के लिए जाता है मेरे निकलना बंद करवा देती है नाउ विशाल भैया जो हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर क्या का सूट फाइल कर सकते हैं सेक्शन नंबर थर्टी फोर ऑफ एस आर ए जल्दी से ऑफ यू वेन आई एम टू कैरेक्टर या मैं किसी लीगल कैरेक्टर के लिए एंटाइटल्ड हूं या राइट ओवर अ प्रॉपर्टी जैसे इस प्रॉपर्टी में, में मेरा एक राइट इजमेंट्री राइट सिद्ध हो चुका है 20 साल कंप्लीट होने पर पीसफुली निकाला विदाउट एनी इंटरप्शन निकाला अब अगर कोई भी पर्टिकुलर व्यक्ति मुझे एक बार मेरा राइट इस पर कंप्लीट हो जाने के बाद अगर मुझे रोकता है तो क्या मैं कोर्ट से जाकर डिक्लेरेशन ले सकता हूं कि कोर्ट प्लीज डिक्लेयर कर दे कि 20 साल के बाद में अब इस प्रॉपर्टी पर विशाल का एक लिजिमेंट्री राइट बन गया है चाहे जो ओनर भी होगा वो भी विशाल भैया को मना नहीं कर सकता ये भी एक स्पेसिफिक ये भी एक स्पेसिफिक रिलीफ थी स्पेसिफिक रिलीफ जो आपको कहां से मिल रहा है ये डेक्लरेशन का रिलीफ आपको सेक्शन नंबर थर्टी फोर ऑफ एस आर ए से मिल रहा है बाद में और डिटेल में पढ़ेंगे अभी वरी अभी इस एक्ट के थ्रू मिलती है जैसे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मेरा पहला एग्जाम्पल जो मैंने सबसे पहला एग्जाम्पल दिया था फर्स्ट एग्जाम्पल स्पेसिफिक दूसरा एग्जाम्पल राइट दैट इज रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टी करेक्ट है रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी एक और स्पेसिफिक रिलीफ यहां से मिलती है तीसरा example, तीसरा एग्जांपल एग्जांपल इज क्लियर क्या हुआ का जब मैं एंटाइटल्ड हूं किसी लीगल कैरेक्टर या राइट ओवर द प्रॉपर्टी के लिए और कोई व्यक्ति अगर मुझे वो राइट right एंजॉय करने से मना कर दे मना कर देता है तो फिर क्या मैं स्पेसिफिक रिलीफ क्लेम कर सकता हूं क्या यस आई कैन ये राइट right पहले अवेलेबल नहीं था बेटा ठीक है लिमिटेशन एक्ट को भी देख लीजिए लिमिटेशन एक्ट कब आया 1963 उसके पहले कब था 1908 में था पहला स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पहली बार 1877 में आया 1877 में आया करेक्ट बात है अपन उस वक्त की बात कर रहे हैं पहली बार तो ये राइट तो अवेलेबल था ही नहीं स्पेसिफिक रिलीफ अगर मुझे डेक्लेन की लेनी हो डेक्लेन की लेनी हो तो मुझे कहां से लेनी पड़ेगी इसी एक्ट के अंदर आना पड़ेगा देर इज नो अदर एक्ट विच प्रोवाइड फॉर रेमेडी फॉर डेक्लेन एवरी वन इज

संजम का एक पर्टिकुलरली शोरूम है कार का ठीक है ना शोरूम है राइट कार का ठीक है ना एवरी वन इज क्लियर अब विशाल भैया इसके शोरूम में जाते हैं और इस पर्टिकुलर शोरूम में जाकर उनका दिल आता है एक आउडी के ऊपर एक आउडी कार के ऊपर आता है राइट विच इज ब्लैक इन कलर ब्लैक इन कलर है ठीक है ना एवरी वन इज क्लियर संजम का संजम समझ रही है कि जो ऑडी मैं परचेज करना चाह रहा हूं वो व्हाइट कलर की परचेज करना ठीक है हम दोनों ने मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है किस पर्टिकुलर चीज को लेकर कि मैं आपके यहां से एक ऑडी कार परचेस करना चाहता हूं विशाल भैया सोच रहे हैं ब्लैक कार परचेज कर, करना चाहता हूं बट संजम जो है वो व्हाइट कार परचेज करने की वो सोच रही है कि विशाल भैया व्हाइट कार के लिए इंटरेस्टेड है एवरी इज क्लियर अबाउट इट कोई दिक्कत कोई डाउट किसी को अब मुझे एक बात बताइए राइट क्या इस इंस्ट्रूमेंट को रेक्टिफाई कराया जा सकता है कैन वी अप्लाई फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट यानी कि रेक्टिफिकेशन करने का मतलब क्या होता है बेटा इंस्ट्रूमेंट को करेक्ट कर देना अगर ये सेल डीड बन जाती है अगर ये सेल डीड बन जाती है बिटवीन विशाल भैया एंड संजम और उस पर ब्लैक कार की जगह व्हाइट कार लिखा हो जाता है तो क्या विशाल भैया एक सूट लगा सकते हैं रेक्टिफिकेशन का कि भैया देखिए मैं आपसे कार तभी परचेस करूंगा तभी परचेस करूंगा जब आप मुझे ब्लैक कलर की ऑडी देंगे क्यों क्योंकि रियल इंटेंशन हम दोनों का क्या था ब्लैक कलर की ऑडी बेचने का और खरीदने का एवरी वन इज क्लियर अबाउट इट और नॉट आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही है एवरी वन ऑफ यू एवरी वन इज क्लियर अबाउट इट राइट यस नेहा कई बार क्या होता है कि हम लोग कलर बताते हैं लेकिन पर्टिकुलर व्यक्ति को कंफ्यूजन हो जाता है ह्यूमन मेमोरी है कई बार भूल जाते हैं और व्यक्ति इंस्ट्रूमेंट को डिजाइन करवा लेता है अगर व्यक्ति ने इंस्ट्रूमेंट को डिजाइन करा लिया जो एक्चुअल इंटेंशन था नेहा जो एक्चुअल इंटेंशन था बेटा रियल इंटेंशन जो था का वो क्या था ऑडी ब्लैक कलर की लेकिन गलती से संजम संजम क्या क्या ने क्या कर दिया संजम ने बाय मिस्टेक या फ्रॉड के थ्रू कोई व्हाइट कलर की ऑडी जो है वो सेल आ, सेल कर रही तो विशाल भैया का एक राइट नहीं बनता क्या इन दिस पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस कैन गेट दिस इंस्ट्रूमेंट रेक्टिफाइड वो इस इंस्ट्रूमेंट को रेक्टिफाई करें मतलब अगर संजम आप चाहती है कि विशाल भैया कार करें तो भैया ब्लैक तो की जो, रेमेडी है, ये जो रेक्टिफिकेशन की रेमेडी है क्या ये रेक्टिफिकेशन की रेमेडी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में ही अवेलेबल है और किसी एक्ट में अवेलेबल नहीं है yes, यानी कि जब आप सेक्शन नंबर ट्वेंटी सिक्स अपना एस आर ए का देखते हो तो क्या हमें वहां देखकर यह समझ में नहीं आता कि यह जो एक्ट है वो हमें रेक्टिफिकेशन की रेमेडी की भी बात बता रहा है इज इज इट इट टॉकिंग एंड गिविंग अस रिलीफ इन रिलेशन टू रेक्टिफिकेशन रेक्टिफिकेशन करना मतलब जब दो पार्टीज ने मन बना लिया है एक सब्जेक्ट मैटर को लेकर लेकिन जब हमने उस इंस्ट्रूमेंट को बनाया जिससे ये पर्टिकुलरली चीज को अफेक्ट में लाना है जैसे सेल डीड के थ्रू कार परचेज होगी

rectification of instrument करवा सकते हैं क्या हम कोर्ट जा सकते हैं और इस कोर्ट को जाकर ये कह सकते हैं कि अगर संजम चाह ही रही है कि मैं इस पर्टिकुलरली कार को उससे परचेस करूं तो फिर वही कार दे जो हमारे बीच में डिसाइडेड हुआ था ऑडी ब्लैक कलर की एवरीवन इज क्लियर दिस इज दिस इज एवरीवन इज क्लियर अबाउट इट और ना यानी कि अगर मैं बेसिक मायने में आपसे बात करूं कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है करेक्ट है वो हमको क्या प्रोवाइड करता है

और सात और आठ को देखेंगे तो हमें देखकर समझ में आएगा रिकवरी ऑफ पजेशन ऑफ प्रॉपर्टी रिकवरी ऑफ पजेशन सिर्फ मिनट के लिए अपने बेयर पर जोर डालना बेटा सिर्फ एक मिनट के लिए जैसा मैंने एग्जाम्पल दिया था ना कि मैंने आपको कोई प्रॉपर्टी दी अब अगर आप मेरी प्रॉपर्टी ना लौटाओ तो क्या मैं एक स्पेसिफिक रिलीफ क्लेम कर सकता हूं मुझे तो मेरी वही प्रॉपर्टी वापस चाहिए यस पांच और छह में इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात है और सात और आठ में आप रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी क्लेम कर सकते

वेरी स्पेसिफिक रिलीफ पांच और छह में रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इनमूवेबल प्रॉपर्टी सात और आठ में रिकवरी ऑफ स्पेसिफिकॉक अबाउट द सेकेंड काइंड ऑफ पर्टिक्यूलर रिलीफ विच इज स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एवरी वन ऑफ यू काइंड ऑफ रिलीफ जो आपको बताया गया है राइट right, वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का बताया गया है, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा रोके जमाना चाहे रोके खुदाई तुमको आना पड़ेगा आना पड़ेगा अगर मैं बोलूं तो सेक्शन टेन से ये मेन ऑपरेट होता है ऐसा ही है एवरी वन ऑफ यू कि भैया आपने मुझे कॉन्ट्रैक्ट में लिख कर दिया था कि आप मेरे लिए ये घर आप ही बनाकर दोगे तो अब आप ही बनाकर दीजिए मुझे डैमेजेस नहीं चाहिए

रेक्टिफिकेशन मतलब रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट अगर कोई भी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट कोई भी इंस्ट्रूमेंट पर दो पार्टीज के बीच में कोई चीज रियल इंटेंशन शो नहीं हो पा रहा है जो जो पार्टीज ने एक्चुअली डिसाइड किया था जो उस इंस्ट्रूमेंट पर उससे अलग चीज लिख दी गई है तो कोई भी पार्टी ईदर ऑफ द पार्टी आकर क्या इस इंस्ट्रूमेंट को रेक्टिफाई करा सकती है करेक्ट करवा सकती है यानी कि वो ये कह सकती है जो हमारे बीच में ओरिजिनल इंटेंशन तय हुआ था जो रियल इंटेंशन तय हुआ था ब्लैक ऑडी कार परचेज करने का अगर वही

शन एक्सप्रेस नहीं हो पाया अब उसे करेक्ट कर लेंगे नहीं आ पाया ना उस इंस्ट्रूमेंट पर अब ले आओ करेक्ट है दैट इज द थर्ड सर्कम चौथा पर्टिकुलर फोर्थ रेमेडी जो आपकी स्पेसिफिकली बता रही है दैट इज रिसन की रेमेडी बता रही है recession करना मतलब राइट right, सीधा का सीधा टू पुट एन एंड टू अकाउंट टू पुट एन एंड टू अ कॉन्ट्रैक्ट एक पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट को वहीं पर ही क्या कर देना सेट असाइड कर देना खत्म कर देना बेटा सेट असाइड कर देना खत्म कर देना रिसाइन कर देना दिस इज ट्वेंटी सेवन से लेकर थर्टी तक अगर कोई पर्टिकुलर व्यक्ति मेरे कंफर्टे पर गन रखकर मुझे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कराता है एक व्यक्ति मेरी कंफर्टे पर गन रखकर मुझे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कराता है तो क्या मैं वॉयडेबल कहते हुए इस इंस्ट्रूमेंट को वॉइडेबल कहते हुए क्या सेट असाइड करा सकता हूं इज दिस पर्टिकुलर इज दिस पर्टिकुलर एक्ट गिविंग मी दिस रिलीफ क्या ये एक्ट मुझे रिलीफ दे रहा है एवरी वन ऑफ यू यस आ रही है बात समझ एवरी वन ऑफ यू यू कैन पुट एन एन टू पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट इफ पर्टिकुलर इफ किसी पार्टीबल कोई ग्राउंड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वॉयडेबल बताया गया है, जैसे कि कोअर्शन फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन अंडू इन्फ्लुएंस इन सबको वॉइडेबल बताया गया नाइनटीन और नाइनटीन ए में एवरी वन ऑफ यू अगर मुझे कोई इन तरीके से किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करा लेता है तो क्या मैं उसे एनी पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट क्या उसकी स्पेसिफिक रिलीफ है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को सेट असाइड करवा सकती है एवरी वन ऑफ यू यस ये कैन बेसिकली आज फॉर सेटिंग दिस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट असाइट क्योंकि ये प्री विल से नहीं किया गया प्री कंसेंट से नहीं किया गया दिस इज बेसिकली और रिसीशन एक और स्पेसिफिक रिलीफ

Void या पर कर लिया गया है सुनिएगा अगर कोई भी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट जो है कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो है जैसे जैसे सेल डीड हो गई जैसे कि इंस्ट्रूमेंट मुझसे कैसे ऑप्टेन कैसे कर लिए गए या तो किसी वाइड ग्राउंड पर या वॉइडेबल ग्राउंड पर मुझे एंटर करा लिया गया

तो क्या वो सीरियस इंजरी कॉज कर सकता है पार्टी को भविष्य में यस इफ दिस इंस्ट्रूमेंट इज लेफ्ट आउटस्टैंडिंग अगर इंस्ट्रूमेंट ऐसा कैसे ही ओपन रहा भविष्य में हो सकता है या आपको कोई इंजरी कॉज कर दे इसीलिए आप इस, ऐसे इंस्ट्रूमेंट को क्या कैंसिल कराने के लिए आ सकते हो yes. क्योंकि वो प्रॉपर्टी आपकी है नहीं सामने वाले ने आपने कॉन्ट्रैक्ट में कह दिया ठीक है मैं प्रॉपर्टी आपसे परचेज करूंगा कल ये व्यक्ति भविष्य में इस पर्टिकुलरली प्रॉपर्टी को आपसे आपको कंपेयर कर सकता है खरीदने के लिए यस इस इंस्ट्रूमेंट का छह महीने में प्रॉपर्टी है ही नहीं तुम्हारी तो मैं एडवांस क्यों जमा करूं करेक्ट बात है तो क्या इस ग्राउंड के ऊपर आप यह इंस्ट्रूमेंट को कैंसिल करवा सकते हो कि इंस्ट्रूमेंट वॉइड और वॉइडेबल ग्राउंड्स पर आपसे एंटर करवाया गया ऑप्टेन किया गया और अगर और अगर एंड इफ इंस्ट्रूमेंट इज लेफ्ट आउट स्टैंडिंग अगर यह इंस्ट्रूमेंट को हमने कैंसिल नहीं करवाया तो भविष्य में यह पार्टी मेरे अगेंस्ट में मुझे कोई सीरियस इंजरी कारित कर सकती वन इज क्लियर अबाउट दिस कोई डाउट कोई दिक्कत जल्दी से बताइए आर्य बात समझ में एवरी वन ऑफ यू यस प्लीज

अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट void या वॉइडेबल ग्राउंड पर ऑप्टेन किया गया है और अगर मुझे ऐसा लगता है ये इंस्ट्रूमेंट ऐसे ही ओपन रहा ऐसे ही, ऐसे ही ही पर्टिकुलरली जब तक इसे वॉइडेबल void डिक्लेयर नहीं कराया जाएगा तो भविष्य में मुझे कोई सीरियस इंजरी कारित कर सकता है क्या ऐसे पर्टिकुलरली इंस्ट्रूमेंट को मैं कैंसिल करवा सकता हूं थर्टी वन और थर्टी थ्री के अंदर थर्टी वन टू थर्टी थ्री वाले पार्ट में यस आई वो एंड लास्ट एक रेमेडी डेक्लेन की कि अगर आई एम एंटाइटल कैरेक्टर और कोई पर्टिकुलर व्यक्ति मुझे इस पर्टिकुलर राइट right को एंजॉय करने से रोक दे स्टॉप कर दे तो क्या और अगर मैं एंटाइटल था तो क्या मैं डेक्लेन कोर्ट से ले सकता हूं कि कोर्ट डिक्लेयर कर दे कि ये राइट right मेरा है और सामने वाला व्यक्ति मुझे नहीं रोक सकता इन सब बातों को और डिटेल में आगे बताऊंगा एक एक वर्ड टू वर्ड

इंजंक्शन एज अ स्पेसिफिक रिलीफ बिकॉज इंजंक्शन इज नॉट अबर इंजंक्शन जो है वो एक स्पेसिफिक रिलीफ है क्या भले ही चाहे बताई गई है. No, ये कैसी है इसे हम प्रिवेंटिव रिलीफ समझिएगा की बात करते हो तो एसआरए को दो भागों में डिवाइड किया जाता है इट प्रोवाइड्स फॉर एसआर प्रोवाइड फॉर टू काइंड ऑफ रिलीफ दो तरीके की रिलीफ ये प्रोवाइड कर एक तरफ जो अभी आप लोगों ने देखी फर्स्ट वन फर्स्ट कैटेगरी इज स्पेसिफिक रिलीफ स्पेसिफिक रिलीफ कहां से कहां तक है बेटा स्पेसिफिक रिलीफ जो है वो पांच से लेकर पैंतीस सेक्शन तक है जो मैंने छह कैटेगराइजेशन ये दिए ना वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स या पांच से लेकर छत्तीस पैतीस तक के जो सेक्शन है से, यहां तक आपको रिलीफ और दूसरा जो कैटेगराइजेशन है राइट दैट इज प्रिवेंटिव रिलीफ दोनों में डिफरेंस है दोनों में difference है। यानी कि प्रिवेंटिव रिलीफ बोले तो इंजंक्शन जिसे बात को जरा समझिएगा और बहुत ध्यान से सुनिएगा जब मैं, जब मैं, की बात करता हूं वेन आई स्पीक ऑफ इंजंक्शन जैसी रेमेडी की तो देखिए पहले स्पेसिफिक रिलीफ के अंदर अगर मैं देखूं तो क्या आप व्यक्ति को पॉजिटिवली कुछ करने के लिए कह रहे हो समझिएगा ध्यान से पॉजिटिवली कुछ करने के लिए कह रहे हो क्या जल्दी से बताइए yes, जल्दी बताइए जैसे कि जो वादा किया वो निभाओ जो प्रॉपर्टी आपने एक व्यक्ति ने आपको दी थी वो उसको वापस डिलीवर करो सामने वाले ने जब डेक्लेन मा की डिक्लेयर करवाया जाए कि ये पर्टिकुलर व्यक्ति मेरे को ना रोके अब मुझे ना रोके रेक्टिफिकेशन करवाइए इंस्ट्रूमेंट का पुट एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट यानी कि एक पॉजिटिव ड्यूटी की बात हो रही है किस तरफ अगर हम सारी स्पेसिफिक रिलीव को देख लें राइट आप पूरी की पूरी स्पेसिफिक रिलीफ को देख लो चाहे आप रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल या रिमूवल प्रॉपर्टी को देख लो चाहे आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की रेमेडी को देख लो चाहे आप चाहे आप डेक्लेन की रेमेडी को देख लो चाहे आप चाहे आप आगे चलकर इन आ, ये आपकी कैंसिलेशन की रेमेडी को देख लो रेक्टिफिकेशन की रेमेडी को देख लो रिसेशन सबके अंदर व्यक्ति से कुछ पॉजिटिवली पॉजिटिवली करने के लिए कहा टू टू डू समथिंग समथिंग परफॉर्म करेक्ट बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं एवरी वन ऑफ यू जल्दी से बताइए ऐसे ही हो रहा है कि नहीं हो रहा है एवरी वन ऑफ पॉजिटिवली कुछ करने के लिए रोक रहे हो लेकिन इंजंक्शन के अंदर अगर हम देखें किसी व्यक्ति को कुछ करने से रोका जा रहा है रोका जा रहा है मतलब हियर यू आर प्रिवेंटिंग द पर्सन फ्रॉम डूइंग समथिंग रॉन्ग एवरी वन इज कियर कहने का मतलब है एक व्यक्ति को क्या आप स्टॉप करते हो आर यू स्टॉपिंग और प्रोहिबिटिंग समवन एवरी वन ऑफ यू इंजंक्शन का बेसिक मतलब होता है टू स्टॉप समवन टू प्रिवेंट समवन टू प्रोहिबिट समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर्टी पर गंध ना मचाए कचरा ना फेंके एवरी वन इज क्लियर अबाउट इट दिस इज जो पर्टिकुलर नदी है उसको कंटेमिनेट ना करे कोई भी पर्टिकुलर कंपनी पर व्यक्ति को रोका जाता है कुछ करने से राइट कि अगर एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी किसी और व्यक्ति की है एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी जो है किसी और व्यक्ति की है तो आप उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के ऊपर अंदर ना घुसो ट्रेस पास ना करो प्रिवेंट कर दिया जाता है रोक दिया जाता है यहां पर कुछ करवा रहे हैं यहां पर जब मैं स्पेसिफिक रिलीफ की बात कर रहा हूं कुछ पॉजिटिवली करवा रहे हैं और यहां पर कुछ करने से रोक रहे हैं कैन यू गाइस सी इसीलिए इंजेक्शन को एक स्पेसिफिक रिलीफ नहीं कहा गया है इसको हमने प्रिवेंटिव रिलीफ माना है बाद में आगे चलकर इस पर और डिटेल डिस्कस एवरीवन इज क्लियर अबाउट दिस आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस आधे से ज्यादा लोग जो भी लोग पढ़ रहे हैं जो भी लोग पढ़ रहे हैं अगर आप आम तौर पर देखोगे ना बेटा जस्ट लुक एट योर पार्ट टू तीन पार्ट है ना स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में पहला पार्ट जो है वो प्रिलिमिनरी पोर्शन प्रिलिमिनरी है सेकेंड पार्ट को अगर आप देखोगे वो बात करता है रिलीफ्स के बारे में यानी कि स्पेसिफिक रिलीफ्स के बारे में जो आपका पांच से पैंतीस तक का पार्ट है और तीसरा पार्ट अगर आप देखोगे तो वो इंजंक्शन का पार्ट है यानी कि अगर हम इंजंक्शन के पहले हेडिंग देखें तो दे यूज द वर्ड प्रिवेंटिव रिलीफ प्रिवेंटिव रिलीफ रोक रहे हैं यानी कि रिलीफ दो काइंड में डिवाइडेड है पार्ट टू एंड पार्ट थ्री के अंदर ऑफ एस आर स्पेसिफिक रिलीफ विच कैरी सिक्स काइंड ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ करेक्ट नेमली रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल एंड मूवेबल प्रॉपर्टी फाइव टू एट प्रोविजन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नाइन टू ट्वेंटी फाइव

बस सिर्फ ये बताया है कि कौन सी काइंड ऑफ रिलीफ आर अवेलेबल टू काइंड प्रिवेंटिव रिलीफ एंड एंड स्पेसिफिक स्पेसिफिक रिलीफ पार्ट नंबर टू स्पेसिफिक रिलीफ पार्ट नंबर थ्री सॉरी प्रिवेंटिव रिलीफ इज पार्ट नंबर थ्री दैट इज इन काइंड ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ नाउ नाउ लेट्स कम टू पर्टिकुलर पार्ट सबको मजा आ रहा है एवरी वन ऑफ यू आर एंजॉइंग दिस गाइड समझ में आया कि छे रिल्स का अगर मैं एक हल्का सा पूछूं बेटा इनमें और डिटेलिंग आएगी बात है अभी मैंने बहुत कम शब्दों में एक बेसिक तरीके से आपको छह का दिया इनमें क्या होता है ठीक है ना लेकिन मैं अज्यूम कर रहा हूं, एक बेसिक आइडिया आपको लगा होगा कि कौन सी रिलीव कवर करता है और उनके बारे में एक बेसिक फॉर्म में बेसिक फॉर्म में हमें आइडिया तो हुआ होगा ये छह रिलीफ क्या कहना चाह रही है हल्का फुल्का वेरी वेरी गुड क्लियर एवरी वन ऑफ यू यस प्लीज और अगर गाइज अच्छा लगे तो प्लीज मेक श्योर करना कि इस को like जरूर करो. The, अब इस की हिस्ट्री की तरफ बढ़ते हैं तेके? अब लेजिस्लेटिव हिस्ट्री क्या है नोट्स में दो मिनट बाद देखेंगे first, तो ये तो समझ में आ गया ये तो समझ में आ गया कि कुछ रिलीफ पहले अवेलेबल नहीं थी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और, और अदर लॉज में इसीलिए पहली बार स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 लाया जाता है पहली बार कौन सा एक्ट लाया जाता है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट क्यों क्योंकि ये वो उन ये वो इस नहीं। प्रोविजन में यूज किया गया वर्ड ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ यानी कि कुछ तरीके की कुछ तरीके की स्पेसिफिक रिलीफ नॉट ऑल ऑफ रिलीफ्स हैव बीन गिवन Particularly that That is is six kinds of of and one preventive. injunction. Lovely, of you. circumstance, तो तकाजा था बट उसके पहले एक न्यूयॉर्क सिविल कोर्ट राइट एक न्यूयॉर्क सिविल कोर्ट करके एक पर्टिकुलरली कोर्ट था ठीक है न्यूयॉर्क सिविल कोर्ट ऑफ एटीन सिक्सटीन 16. 16.

कॉमन लॉ जिसे आप कहते हो कॉमन लॉ ऑफ इंग्लैंड इज क्लियर कॉमन लॉ ऑफ इंग्लैंड इनसे डायरेक्ट आमतौर पर कोई भी लेजिस्लेशन उठा लीजिए डराइवर परमर्स अकेडमी इज इट अ रेगुलर क्लास यस वी आर बेसिकली ट्राइंग टू टेक फ्यू सेशन इन रिलेशन टू इट ये इंट्रोडक्शन है कल इसका सेकेंड पार्ट आएगा ठीक है ना बट ये ऑब्वियसली बात है आई विल नॉट बी एबल टू कंप्लीटली गिव एवरीथिंग ओवर योर अगर आप लोगों को सेशंस आगे अच्छे लगे अगर आपको समझ में आए तो हम आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप लोग हमारे फोरम को ज्वाइन करो एंड ज्वाइन अवर पर्टिकुलर फोरम जहां पर आपको और भी आगे की पर्टिकुलरली क्लासेस मिलेंगी बट फॉर नाउ द पर्टिकुलर क्लास इज एट योर टू अंडरस्टैंड और मैं बहुत सारे ऐसे आ, सारे जो है कॉमर्स अकेडमी आई कीप ऑन ब्रिंग ठीक है तो न्यूयॉर्क सिविल कोड जो है कोर्ट नहीं बेटा कोड सी ओ डी कोट कोड इन कोर्ट नहीं है कोड है कोड जैसे कि सिविल प्रोसीजर कोड है ना क्रिमिनल प्रोसीजर कोड वैसे कोड अब इस कोड के अंदर क्या बताया गया था न्यूयॉर्क सिविल कोड ये बेटा कुछ स्पेसिफिक रिलीफ्स प्रोवाइड करता इट यूज्ड टू प्रोवाइड सर्टिन स्पेसिफिक रिलीफ्स इसी से इंस्पिरेशन ड्रॉ करके इसी से इंस्पिरेशन ड्रॉ करके हमने क्या किया पहली बार पहली बार एसआरए 1877 अमल में वी ब्रॉट इनटू पिक्चर एसआरए 1877 दो रीजंस थे कुछ स्पेसिफिक रिलीफ चाहिए थी वो स्पेसिफिक रिलीफ दे नहीं रहा था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या कोई और लॉ तो वो स्पेसिफिक रिलीफ के लिए हमने इंस्पिरेशन ड्रॉ की फ्रॉम अ न्यूयॉर्क सिविल कोर्ट 1862 जो कई तरीके की स्पेसिफिक रिलीफ्स प्रोवाइड करता था और हमने और उसके बाद 1877 के अंदर पहली बार स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 लाया गया अभी आप जो पढ़ रहे हो अभी जो करेंटली पढ़ रहे हो वो कौन सा है 1962 मतलब ये वाला जो पर्टिकुलर एक्ट है ये रिपील हो चुका अगर आप अपना सेक्शन नंबर 43 एंड सेक्शन नंबर 44 देखोगे इफ यू विल लुक एट सेक्शन टोटल 44 सेक्शंस आर देयर अगर आप उसमें 43 एंड 44 सेक्शन देखोगे तो आपको लास्ट सेक्शन 44 आपको रिपील ही मिलेगा और बताया गया है पहले 1877 एक्ट था 1877 एक्ट को रिपील कर दिया 1960 एक्ट ने बट वो 2 मिनट बात की बात

अब इसके बाद में एक और पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस जो है वो आता है 1963 का नया एक्ट आया और 1974 से इसे रिपील किया गया अगर आप देखोगे तो वहां पर रिपीलिंग एक्ट 1974 लिखा होगा सेक्शन नंबर नाइन सेवरी वन इज क्लियर ये बताने का तरीका है कि सेक्शन 44 के अंदर जो 1963 का जब एक्ट लाया गया 74 के एक्ट से उसे एवरी वन इज क्लियर अबाउट इट आरिया बात समझ में कोई दिक्कत कोई जो पुराना एक्ट था वही रिपील्ड Understood everyone? So first inspiration is from then then comes the second particular. suniyega नहीं second jo particular inspiration draw hoti hai iski wo inspiration draw hoti hai equity courts se Have you guys heard about equity courts? Equity courts के बारे में क्या आप लोगों ने सुना है court of equity या equity courts क्या होते हैं court of equity या equity courts क्या होते हैं right and ये कैसे differ करते हैं from common law

It's not good कि आप लोग चार जगह पर जा जाकर जंप करो जो चीजें आप लोगों ने पढ़ लिया मैंने ही, ही आप अपॉर्चुनिटी right? मैंने आप लोगों को बोला है जो नए बच्चे आए क्लास में उनको अपॉर्चुनिटी दो लर्न करने की आपको आप सीखे हो मुझसे दैट इज गुड इनफ राइट बट एटलीस्ट मेक श्योर करेंगे कि हम लोग अपॉर्चुनिटी दे रेगुलर अपॉर्चुनिटी उन बच्चों को सीखने की आप लोग जब आए थे मैंने आपके साथ में ऐसे किया था क्या

टेल मी वन थिंग कि अगर अगर कॉमन लॉ कोर्ट्स और इक्विटी कोर्ट में क्या डिफरेंस वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन दूस पता है बेटा तुम्हारा एक्साइटमेंट बिल्कुल एकदम चलता ही जाता है बट सुनिए कोर्ट ऑफ इक्विटी जो होते हैं राइट right, और कॉमन लॉ कोर्ट्स में डिफरेंस क्या है नहीं ये तो बहुत ज्यादा ही आपने जगमीत सिंह जी को ज्यादा ही डिटेल कर दिया कि इक्विटी कोर्ट्स वो होते हैं जो इक्विटी प्रिंसिपल्स पर वर्क करते हैं यू आर नॉट मेकिंग अ रॉन्ग स्टेटमेंट बट वॉट इज इक्विटी प्रिंसिपल वट इज दैट इसका मतलब क्या है इसका मायना क्या है इसे प्रैक्टिकली देखो कॉमन लॉ कोर्ट्स होते हैं जो एक जो एक जो एक सर्टेन लॉ इन प्लेस है यानी कि जो लॉ कोडिफाइड है जो लॉ कोडिफाइड है उन प्रिंसिपल्स पर वर्क करते हैं कॉमन लॉ कोर्ट्स कौन से होते हैं जो पर्टिकुलरली प्रिंसिपल्स हैं जो लिख दिए गए हैं या प्रिडेंट्स के थ्रू बता दिए गए हैं उन पर वर्क करते हैं यानी कि लॉ पर वर्क करते हैं करेक्ट बात है द लॉ व्हिच इज ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस द लॉ व्हिच इज ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस उन पर कॉमन लॉ कोर्ट्स फंक्शन हम किने कॉमन लॉ कोर्ट्स कहते हैं जिनके पास में लिखा हुआ है जैसे आज आप लोग पढ़ रहे हो आपके पास में स्टैट्यूट है आपके पास में क्या है फॉर एग्जांपल आपके पास में ये संविधान है कोडीफाइड लॉ है सामने लिखा हुआ है क्या बोला गया है प्रेसिडेंट्स के माध्यम करेक्ट बात है वहां पर लॉ बताया गया है लोग बस उसे फॉलो जो कोर्ट उसको सिर्फ फॉलो कर रहे हैं जो लिखा गया है कॉमन लॉ क्लियर बात ऑफ़ यू ऑन इक्विटी कोर्ट्स वो होते हैं जो बातें नहीं लिखी गई राइट यानी कि जो जस्टिस अचीव करने के लिए कुछ और पैमाने में कुछ और अनरिटन लॉस पर राइट यानी कि एक इक्विटी जस्टिस गुड कॉन्शियंस के लिए जो वर्क करते हैं जो चीज नहीं लिखी गई वो कैसे प्रदान की जाए दैट इज हाउ द इक्विटी कोर्ट्स हो एवरीवन इज क्लियर मतलब अगर लॉ आपको ये तो कह रहा है कि आप एक पर्टिकुलर व्यक्ति को के पास रिलीफ है डैमेजेस की डैमेजेस की रिलीफ है कि इस पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस में डैमेजेस दिए जाएं लेकिन जो व्यक्ति को कोई और नुकसान हुए हैं उन पर उन पर उन पैरामीटर्स पर कैसे जज किया जाएगा ये इक्विटी का पर्टिकुलर

अपनी प्रॉपर्टी जो है वो पर्टिकुलरली एक जमींदार को क्या कर दी थी अपनी प्रॉपर्टी जो एक जमींदार है ब्रह्मोदत्ता उसको उसने गिरवी रख दी थी करेक्ट बात है एवरी वन ऑफ यू उसको सेल आउट करने की बात की थी जिसमें जमींदार ने एक एडवांस सम जो है वो पर्टिकुलरली मांगा था किससे एक एडवांस सम दे भी दिया था माइनर लेटर माइनर की जो मदर है वो आकर इस ट्रांजेक्शन को गलत बताती है ये कहते हुए कि माइनर जो पर्टिकुलर व्यक्ति है ये इनकॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो माइनर के साथ किया गया वो शून्य है यही था ना उ इट इज की माइनर ने एक प्रॉपर्टी जमीनदार को सेल आउट करने के लिए दोनों के बीच में एडवांस अमाउंट फिलहाल माइनर को दे दिया है करेक्ट बात है अब माइनर को प्रॉपर्टी लौटानी है प्रॉपर्टी रिसीव होने पर जमींदार बाकी का पैसा भी माइनर को दे देगा अब इन दिसकम सेंस लेट्स कॉल इट जमींदार ने बीस लाख रुपए माइनर को दे दिया अब कोर्ट में फैसला गया कोर्ट ने कहा माइनर के साथ तो कोई कॉन्ट्रैक्ट जो भी किया गया वो वॉयी शून्य है

क्या हम कह सकते हैं कंप्लीट मायने में जस्टिस हुआ है नहीं क्योंकि माइनर को, तो को तो बचा लिया बट जो जमींदार ने एडवांस 20 लाख रुपए दे दिया है और उसके हाथ में कुछ नहीं आया उसका क्या कैन यू गाइस सी दैट एवरी वन ऑफ यू क्या हम ये देख सकते हैं इन दिस पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस एवरी वन ऑफ यू क्या हम इस पैमाने पर ये देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं बेटा एवरी वन ऑफ यू यस है ना एवरी वन इज क्लियर अबाउट इट हां अरे तो भाई कविता एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम जुडिशियल प्रीसीडेंट भी कॉमन लॉ का ही हिस्सा बनते हैं एवरी वन इज क्लियर अबाउट इट दैट वी ऑल्सो नो ठीक है दैट वी ऑल्सो नो आई एम गिविंग यू अ पर्टिकुलर कोरोलरी टू सेक्शन इलेवन

करेक्ट बात है एवरी वन ऑफ यू ये बीस लाख रुपए वापस मिलना क्या मैं इसे एक संपूर्ण न्याय इक्विटी क, इक्विटी जस्टिस गुड कॉन्शियंस का प्रिंसिपल कह सकता हूं यस yes, इसे मैं इक्विटी जस्टिस एंड गुड कॉन्शियंस का प्रिंसिपल कह सकता हूं करेक्ट बात है तो वो जो पर्टिकुलरली लोग थे जो तो पहले जो पर्टिकुलरली कोर्ट्स फंक्शन कर रहे थे वो इक्विटी कोर्ट्स भी फंक्शन करते थे और वो इसी बेसिस पर न्याय प्रोवाइड करते थे आया बात समझ में एवरी वन ऑफ यू दो पार्टीज को देखकर डिसाइड किया जाए

only governed by the principles of equity just justice and good conscience bas itse govern hote hain aur specific relief jo hai specific relief pehle sirf kaun se courts provide karte the equity courts provide karte the to ye jo whole inspiration aayi ki hame ek specific relief act banana hai जिसमें हम equity provide करेंगे justice provide करेंगे good conscience provide करेंगे वो laws जो कि specific reliefs को consideration में नहीं रखते उनसे हम उन पर्टिकुलर न्यूयॉर्क सिविल कोर्ट से इंस्पिरेशन लेंगे 1862 से और एसआरए बनाएंगे 1877. हम लोग इक्विटी कोर्ट से इंस्पिरेशन ड्रॉ करेंगे और पर्टिकुलरली हमें एवरी एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग दिस बात समझ में आया कि नहीं आया तो अगर आपसे कभी कोई पूछे आज के बाद क्यों वाई स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट वॉज ब्रॉट इन पिक्चर और इट ड्रॉज

मैं जब आप लोगों को अभी जब लेक्चर्स लूंगा बिल्कुल धरातल पर ले जाकर यानी कि जो बच्चे मुझे जानते हैं हाउ आई टीच एंड प्लस क्लासेज एंड ऑल बिल्कुल नीचे जमीन पर ले जाकर आप लोगों को शुरू करूंगा बेटा आपको कोई वर्ड कोई चीज परेशान नहीं कर सकती है मेरा पर्टिकुलर अश्योरेंस हो कल भी इसी को लेकर मेरी क्लास और रहेगी स्पेसिफिक रिलीफ को लेक्चर नंबर टू एवरीमैन इज क्लियर अबाउट एवरी एवरी सिंगल थिंग एवरी डेटा बेस एवरी कॉन्क्रीट थिंग जो आप सोचते हो ना टीचर ऊपर से उड़ा देते हैं कोई चीज नहीं उड़ाई जाएगी बिल्कुल नीचे से आप लोगों को रेडी करूं डोट इवन वरी अबाउट दैट दो लोग दो लोग ये सोच रहे हैं भैया हमने तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाई नहीं हम कैसे इसको पर्टिकुलर डील करेंगे मैं हूं ना चिंता ही नहीं कर आया बात समझ में एवरी वन ऑफ यू तो इक्विटी कोर्ट आर दोन लॉ दे फंक्शन ऑन की हम यह न्याय के लिए क्या कर सकते हैं

सबका सारी सब्जेक्ट्स का एक इंट्रोडक्शन क्लास लूंगा ये पक्का शोर कर रहा हूँ ठीक है नेहा बोल रही है ये एक्चुअली आज ही मैं सोच रहा सोचा कि आई विल टेक आई विल मेक इट अ पॉइंट कि मैं आप सारे सब्जेक्ट का टीपीए आई पी सी एवरी थिंग यू नेम इट कॉन्ट्रैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो भी रहेगा सबका एक पर्टिकुलरली लूंगा न्यू लॉस का भी एक इंट्रोडक्टरी क्लास लूंगा अल्टीमेटली पुराने लॉ और न्यू लॉ में इंट्रोडक्टरी क्लास में बस दो तीन चीजें अल्टीमेटली दे विल ऑल गो इन दैट पॉइंट बात समझ में कोई कोई दिक्कत, कोई डाउट किसी? जल्दी से बताइए। अब मैं आप लोगों को last particular कुछ quick facts बताता ठीक है ना एक बात उसके पहले मी प्लीज इन्फॉर्म यू ऑल कि अभी मैं आप लोगों को अपना स्केड्यूल बता देता हूं यूट्यूब मेरा यूट्यूब जो पर्टिकुलरली रहेगा वो सेवन ओ क्लॉक टू एट थर्टी तक रहेगा करेक्ट है और स्पेशल क्लास जो रहेगी स्पेशल क्लास पर अभी मैं क्या कराने वाला हूं अभी मैं ऐसारे इधर यूट्यूब पर ले रहा हूं आज पहला लेक्चर है कल दूसरा लेक्चर होगा ठीक है ना कल दूसरा लेक्चर होगा स्पेशल क्लास पर नौ बजे से लेकर ग्यारह बजे तक आई विल बी टेकिंग या टेन थर्टी इलेवन डिपेंडिंग अपॉन टाइम आई विल बी टेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन का राइट फंडामेंटल ड्यूटीज वाला पार्ट है इसका मैं पार्ट वन ले चुका हूँ पार्ट टू ले चुका हूँ और अब पार्ट थ्री यानी कि जो फिनाले है वो आज होने फंडामेंटल ड्यूटी तो जैसे यहां बता रहा हूं वैसे ही वहां पर भी बताऊंगा माइंड यू हमारी स्पेशल क्लास भी फ्री क्लास ही है और यहां पर आपको बिल्कुल जैसे हमारे प्लस के बच्चे पढ़ते हैं यानी कि हमारे जो एक्चुअल लेने वाले बच्चे पढ़ते हैं यू विल गेट द सेम फीलिंग इन दिस पर्टिकुलर क्लास इज आपको सेम फील हो अगर आप लोग इस सेशन के तुरंत बाद कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास में भी आना चाहते हो तो नौ बजे से वो सेशन रहे। इट इज गोइंग टू बी ऑन द स्पेशल करेक्ट है उसे ज्वाइन करने का एक मिनट एक तरीका बता देता हूँ फिर इसके आगे एक दो और करूंगा राइट और इसके आगे पर्टिकुलर चीज ठीक है अभी तक अगर आप देखोगे तो मैंने सिर्फ आज आपको सिर्फ आज आपको एक ओवरव्यू अभी के लिए दिया है करेक्ट बात है इन डिटेलिंग्स पर भी मैंने बात की है एंड वी आर गोइंग टू स्पीक ऑन दैट बट बिफोर दैट लेट मी जस्ट अश्योर यू सम दिस इज माई टेलीग्राम ग्रुप सेवन यह आपको दिख रहा होगा राइट right, इतने बच्चे मेरे साथ में जुड़े हुए हैं अगर आप में से कोई भी लोग पर्टिकुलरली मेरे सेशंस देखना चाहते हो अगर आपको इनके एक्सेस करना है सेशंस वगैरह तो आप यहां से पर्टिकुलरली कर सकते इज क्लियर अबाउट इट कोई दिक्कत थैंक यू अनामिका अभी अभी क्लास वगैरह अभी तो पूरी होनी क्लियर है तो यस सो मेक श्योर करिएगा कि आप इस पर्टिकुलरली टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो आई कैन सी पीपल ज्वाइनिंग Right? तो आप अगर इसको ज्वाइन कर लोगे तो फायदा ये रहेगा दैट इट इज गोइंग टू बी आपको डायरेक्टली अगर किसी को ढूंढने में दिक्कत हो रही टेलीग्राम पर तो आप क्या आप इस तरीके से भी इसको देख सकते हैं यू है। right इस पर्टिकुलरली के अंदर यहीं पर ही अगर आप देखेंगे तो आपको दोनों चीजें मिल जाएंगी अगर आपको किसी को मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप देख सकते हैं ज्वाइन अवर एक्सक्लूसिव टेलीग्राम चैनल फॉर जुडिशियल एग्जाम्स यहाँ पर क्लिक करोगे ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप आपको यहाँ पे मिल जाएगा और अगर आपको हमारी स्पेशल क्लास देखनी है इस तरीके से हमारी स्पेशल क्लास रहती है जैसा कि आप अभी देखोगे ये कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर मेरा फंडामेंटल ड्यूटीज का पार्ट वन है कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर फंडामेंटल ड्यूटीज का पार्ट टू है आई विल जस्ट टेक अ टाइम टू शो यू कि हमारा कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर कैसे हुआ अरे यार अब इसे ओपन करना पड़ेगा नंबर डालूंगा तो तुम लोग लो मिल जाए अभी नंबर वंबर नहीं दूंगा वही अब एक बात है वैसे ही मेरा नंबर जो है वो इतना ज्यादा लोगों के पास पहुँच बट यस आप यहाँ पर क्लिक करके पर्टिकुलरली इन लेक्चर्स को देख सकते ठीक है सो एज यू गाइज कैन सी दिस दिस लेक्चर इसका पार्ट थ्री जो फाइनल है फंडामेंटल ड्यूटीज का वो पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली जैसे मैंने यहाँ पर पढ़ाया इट इज गोइंग टू बी ऑल ओवर तो मैं अजयू आपको अशोर करता हूँ कि आप यहाँ पर आइए You will find lot of free sessions और आपको काफी फायदा यहाँ पर होगा अगर आपने इस app को डाउनलोड नहीं किया हुआ है आप पहली बार यहाँ पर आ रहे हो तो आप यहाँ से अगर आप android यूजर हो इस पर क्लिक करके आप हमारी ऐप जो है फ्री में डाउनलोड कर सकते हो फ्री सेशन मेरे जितने भी हैं सारे फ्री सेशन एक्सेस कर सकते मैंने ऑलरेडी किया हुआ है यहाँ पर आपको आपका नंबर डालना पड़ेगा ओटीपी आएगा वो डाल देंगे एंड आप हमारे सारे फ्री सेशन मेरे नहीं सभी एजुकेट दूसरी बात सेकंड थिंग अगर आप में से कोई भी व्यक्ति एप्पल यूजर है एंड्रॉइड यूजर यूजर नहीं है Apple user है एप्पल तो वो यहां पर क्लिक करके आप पर्टिकुलरली आ सकते हो और आप यहां से हमारे स्पेशल क्लास फोरम को डाउनलोड कर सकते हैं आर वी बोथ होम्प्रीहेंसिव लेक्चर कैन बी डाउनलोड राइट अरे यार, यार ये कृष्ण भाई तुम यार थोड़ी भाई हमारी कुछ की खुद की भाई फैमिली प्रॉब्लम भी चल रही है भाई ठीक है मैं कल भी क्लास नहीं ले पाया था कुछ तो पर्टिकुलरली समय दो फार्मर प्रोटेस्ट के ऊपर क्लास ले लूंगा भाई राइट ले लूंगा थोड़ा वक्त भी तो मिलना चाहिए हमारी प्लस क्लास भी होती है भाई ठीक है ना तो एकदम थोड़ी ना तुम बोलोगे और मैं एकदम ले लूंगा यू नीड टू गिव मी ऑल्सो टाइम भाई ब्रीदिंग स्पेस हमें भी चाहिए रहती है अभी भी हम हमारी पर्टिकुलरली फैमिली थोड़ी सी कुछ कमिटमेंट्स खत्म करके आ राइट बच्चों को पढ़ा रहे हैं कुछ हॉस्पिटल में है कोई कोई फैमिली में कहीं पर भर्ती है उसके बाद आकर पढ़ा रहे हैं राइट right? तो ऐसा नहीं है कि हम इन टॉपिक को लेना नहीं चाहते लेकिन इन टॉपिक पर थोड़ा और डिटेल पढ़नी पड़ती है एक बात है ना बेटा राइट तो आई विल टेक अ बिट ऑफ टाइम राइट नाउ माय मेजर फोकस इज बच्चों के मींस के एग्जाम राइट तो मैं उस पर पहले फोकस करूंगा ना इस पर भी कृष्ण कुमार ले आएंगे हम वीडियो ठीक है ना बिल्कुल लेकर आएंगे ठीक है राइट सो डोंट वरी अबाउट दैट थोड़ा तो वक्त दे भाई इतनी जल्दी आप हर सेशन में आकर वही पर्टिकुलर चीजें आपको तीन बार बता चुका हूं मैं लेकर आऊंगा भाई लेकिन एक दिन में दो दिन में कोई कमिटमेंट नहीं कर सकते और अभी भी आप बोल रहे हैं तो अभी भी मैं बता देता हूं कोई अगले एक दो दिन की कमिटमेंट नहीं हो सकती एक दो दिन में मैं यहां पर मुझे एसआरए पढ़ाना है और कॉन्स्टेबल हाँ, हाँ सीलिंग एक्ट की भी बता देता हूं भाई आपको तो सीलिंग एक्ट वगैरह अभी वो कृष्ण कुमार एक बात आप समझिए सीलिंग एक्ट राइट नाउ इज नॉट द मेन कंसर्न क्योंकि मीन्स एग्जामिनेशन है बेटा बच्चों के तो सबसे पहले तो मैं उस पर फोकस करूंगा ना तो सीलिंग एक्ट को भी तभी पढ़ा पाऊंगा अभी दैट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट राइट नाउ फॉर स्टूडेंट लेकर आएंगे बिल्कुल लेकर आएंगे चिंता मत है ना लेकिन थोड़ा वक्त दीजिए आप लोगों से डिमांड जो है वो सिर्फ एक वक्त की दैट इज वी वी डिमांड डिमांड डोंट मोर राइट दिन भर क्लासेज और भी चलती हैं सिर्फ यही क्लास नहीं होती ठीक है दो क्लासेस प्लस की होती हैं फिर एक यहाँ आते हैं फिर स्पेशल क्लास दिन भर में बहुत सारा नौ दस घंटा ग्यारह बारह घंटा यही कर हम करेंगे भाई आपके लिए लेकिन आपको थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पीड हम आपसे रिक्वेस्ट मैं आपकी बातों को सराखों पर रखता हूं ठीक है आप जो भी बोलते हो आई ट्राई टू ब्रिंग एवरीथिंग थोड़ा सा वक्त ठीक मैं ऐसा ज्यूम करता हूं कि आप मुझे इतना वक्त ठीक है यस गाइस तो आई होप ये पर्टिकुलर चीज आप लोगों को समझ में आई होगी एक बात और कल का जो पर्टिकुलर सेशन है इसमें मैं लॉ कमीशन रिपोर्ट्स के बारे में आप लोगों को बताऊंगा कौन सी लॉ कमीशन रिपोर्ट्स एंड एवरीथिंग ठीक है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है कैसे इंट्रोड्यूस किया गया था तो किन डॉक्ट्रींस पर ये बेस्ड है जैसा मैंने अभी बताया इक्विटी की डॉक्टरी पर बेस्ड है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डैमेजेस की रेमेडी देता था ये नहीं देता था इसलिए प्रॉब्लम थी करेक्ट है डैमेजेस के अलावा कोई दूसरी रेमेडी अवेलेबल नहीं थी इक्विटी um, कोर्ट्स ने दे डेवलप द डॉक्ट्रीन ऑफ रिलीफ़ स्पेसिफिक रिलीफ पहले न्यूयॉर्क सिविल के अंदर देखा है कल मैं और बातें आप लोगों के लिए ऐड करने वाला हूं बट बिफोर दैट प्लीज मेक इट अ पॉइंट अभी 9 बजे से फंडामेंटल ड्यूटीज का एक बेहतरीन सेशन होने वाला है उसमें भी आप रहिएगा रिक्वेस्ट so, है मेरी टू डू दैट ठीक है ना एंड लास्ट में लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई जस्ट वॉन्ट टू लेट यू नो अबाउट आई जस्ट वॉन्ट टू लेट यू नो अबाउट द करेंट ऑफर एट एन अकेडमी विच इज गोइंग ऑन राइट एंड प्लीज एक बार उस ऑफर को भी सुन लीजिएगा अगर आप में से कोई भी लोगों को हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है इफ़ यू गाइज एन्जॉय अवर स्टाइल ऑफ टीचिंग ट्वेंटी परसेंट ऑफ जो है राइट right, वो आपको मिल रहा है एंड यू आर ऑल्सो गेटिंग ट्वेल्व मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन यानी 12 मही ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट मेरा रेफरल कोड यूज करने पर इज सिंह विशाल आपको क्या मिल रहा है अभी हमारे जो अन अकेडमी पर सब्सक्रिप्शन होते हैं उसमें ट्वेंटी परसेंट ऑफ भी मिलेगा बेटा और ट्वेल्व मंथ्स का अप टू ट्वेल्व मंथ्स का एक्सटेंशन भी आपको मिलेगा अगर आप एक बारह महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इस पर आपको ट्वेल्व मोर मंथ्स फ्री मिल रहे हैं प्लस ट्वेंटी परसेंट ऑफ मिल रहा है अगर आप 18 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 12 मंथ्स फ्री मिल रहे हैं एंड 20 परसेंट ऑफ मिल रहा है और अगर आप एक 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 12 मंथ्स फ्री मिल रहे हैं एंड यू आर आल्सो गेटिंग 20 ऑफ लेकिन रेफरल कोड जो आपको याद रखना है वो है सिंगल दैट इज माई रेफरल कोड इससे मैं डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता हूँ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है उस पर आई बिकम अकाउंटेबल ऑटोमैटिक मेरे नोट्स होते हैं मेरी पर्सनल गाइडेंस मेरी पर्सनल मेंटोरशिप होती है

कॉन्स्टी uh, का भी स्पेशल क्लास रहे तो आज स्पेशल क्लास है और कल फिर वापस स्पेशल क्लास हमें देखने को मिलेगी सो प्लीज मेक इट अ पॉइंट कि आप लोग दोनों जगह पर अटेंड करो सारे के सारे बेनिफिट्स अवेल करो दैट इज वॉट आई वुड रिक्वायर फ्रॉम एवरी राइट इसके अलावा जो हमारा ट्वेल्व मंथ्स प्लस ट्वेल्व मंथस का प्री एक्सटेंशन है आपको आप हमारे कई सारे बैचेस जो हैं वो चल रहे हैं जैसे मेरा खुद का रणभूमि बैच जो है वो चल रहा है फिफ्टीन ऑफ फेब्री से बैच शुरू हुआ है इसमें और ये ऑल स्टेट बैच है यानी कि आप किसी भी स्टेट के हो बेटा इफ यू आर फ्रॉम एनी रिस्पेक्टिव स्टेट किसी भी पर्टिकुलरली स्टेट के हो थैंक यू थैंक यू सो मच गाइज अच्छा लगा सेशन डिड यू गाइज एंजॉय द सेशन एवरी वन ऑफ यू अगर किसी ने सेशन को लाइक like ना किया हो तो प्लीज इंश्योर टू लाइक द पर्टिकुलर सेशन दैट वुड बी अ ग्रेट हेल्प दूसरी चीज ये कि आप लोगों से एक स्पेसिफिक मेरी रिक्वायरमेंट रहेगी कि अगर आप में से किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति को तैयारी करनी है देखना है तो एक बेहतरीन वक्त है सिक्सटीन ऑफ फेब्री तक सिक्सटीथ ऑफ मार्च तक ये पर्टिकुलरली सब्सक्रिप्शन क्लेम करने का क्योंकि ट्वेंटी परसेंट ऑफ प्लस ट्वेल्व मंथ्स का एक्सटेंशन आपको मेरा रेफरल कोर्सिंग विशाल यूज करने पर मिल जाएगा इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी बात करनी है तो आप एट द रेट विशाल वन वन ज़ीरो सेवन थ्री जीरो पर मुझसे बात कर सकते हैं any one of you need to talk about the offer you want to know about the offer ya aapko purchase karna hai subscription you are interested into it to तो add the rate vishal 110730 par aap mujhse baat kar sakte ho i will fairly tell you everything in relation thank you thank you so much next iske baad mein हमारा रणभूमि batch है तनसुख सर का भी batch है यहाँ पर regular कॉम्प्रीहेंसिव batch, जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ आप इन सारे batches को सिंह विशाल का referral code use करके जो कर सकते हो और राजस्थान जुडिशरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बैच आ गया है इसमें भी मैं आपको पढ़ाता हुआ दिख रहा हूँ राइट सो इफ एनी वन ऑफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन इंटरेस्टेडिकुलर बैच इज वेल गाइज राइट एंड माइंड यू ये वो वक्त आ गया है जहां पर आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन थोड़ी सी साउंड रखनी पड़ेगी कई सारी जुडिशरी आने वाली है स्पेसिफिकली राजस्थान यूपी इज अंडर वे राइट सो मेक श्योर कि अब आप लोग उसकी तैयारी बहुत अच्छे से करिए राजस्थान एपीओ के लिए एक बात है राइट सो ये चीजों को फोकस बनाते हुए अच्छे से तैयारी करेंगे और अगर ये पर्टिकुलरली बैच आपके लिए फायदे का है तो मैं कहूंगा दिस इज अ वेरी गुड टाइम फॉर यू टू गेट दिस बैच टीं ऑफ मार्च तक 20% ऑफ एंड 12 महीने का एक्सटेंशन दोनों आप लोगों को मिल रहा है मेरा रेफरल कोड सिंगविच राजस्थान एंड यूपी का लिंकिंग रेगुलर बैच भी है ये भी आ चुका है अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो मार्च 14 से बैच ज्वाइन कर सकते हैं अनिल खाना सो एंड टीम हैज ब्रॉट फॉर यू अ अम्प्रीहेंसिव ज्यूडिशरी बैच गाइस आप ज्वाइन कर सकते हैं एक बहुत मजेदार बात बताता हूँ आपको अन की हमारे यहाँ पर आप कोई भी बैच जो है एनी काइंड ऑफ बैच ज फॉर एग्जाम्पल अगर आप मेरा ये रणभूमि बैच परचेज करते हो तो आपको राजस्थान जुडिशरी बैच रेगुलर अनिल खना राजस्थान लिंकिंग सभी के सभी की हो। आप, आप बैच में किसी में भी जाओ आपकी चॉइस है आप कौन सेव एक्सेसिबिलिटी टू ऑल एट योर आप एक ही सब्जेक्ट को दस टीचर पढ़ा रहे हैं आप उनको देख सकते

ये मौका एक दशक बाद आया है भैया के लिए करेक्ट बात है तो अगर आप में से कोई भी लोग इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं मार्च फिफ्टीन से इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो फोर बस ये बैच प्राइस है सिंह विशाल का रेफरल कोड यूज करके आप इसे ज्वाइन कर सकते हो दो महीने ये बैच है मात्र पांच हजार रुपए का ये बैच आपको मिलेगा क्रिमिनल मेजर लॉ माइनर लॉ लोकल लॉज लौ, एंड लैंग्वेज भी इसमें कवर कराए जा रहे हैं डाउट क्लियरिंग सेशंस एंड थ्री मॉक टेस्ट आर आल्सो मेड अवेलेबल इसके अलावा अगर आप में से कोई भी लोग एम पी सीजे मीन की तैयारी करना चाहता है मात्र नौ सौ निन्यानवे रुपए में आपको बैच मिल रहा है जहां पर आपको हमारे रिकॉर्डेड और लाइव दोनों सेशन की एक्सेसिबिलिटी मिल जाएगी आप इसे देख क्लियर है सो इफ एनी वन ऑफ यू आर इंटरेस्टेड यू गाइज कैन जॉइन पर्टिकुलर बैचेज एज वेल मीन टाइम गाइज आई होप यू हैड अ गुड क्लास आपको मजा आया होगा कल फिर वापस मिलिएगा स्पेसिफिकली पैक के पर्टिकुलरली सो सो थैंक यू मच Take care of yourself. Bye bye. And don't forget to like and share this particular session and subscribe to our YouTube channel. Thank you so much, guys. Bye bye.